हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल द पैशन जनरेटर में। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है वो ऑडिनो का यूज़ करके एलईडी ब्लिंक कैसे कराएं उसके ऊपर है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऑडिनो का यूज़ करके एलईडी को किस तरीके से ब्लिंक करते हैं। तो इसके लिए आपको हमें कुछ बेसिक कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं अपने फ़ोन का यूज़ कर रहा हूं, आप चाहिए तो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑडिनो ड्रॉइड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा। मैं आपको यहाँ पर कोड के बारे में बताता हूँ। ऑडिनो का जो कोड होता है वो बेसिकली तीन पार्ट्स में होता है। जहाँ पे पहला पार्ट होता है जिसमें हम इंटीजर्स वगैरह डिफाइन करते हैं, पिंस वगैरह डिफाइन करते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है वॉइड सेटअप का। उसमें हम पिंस वगैरह डिफाइन करते हैं एंड वो पिंस किस लिए वर्क हो रही है, मीन्स आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए, उनको डिफाइन किया जाता है। और जो लास्ट वाला है यानी थर्ड पार्ट, वो है वॉइड लूप का। उसमें बताया जाता है कि हमारी जो पिंस हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगी, मीन्स कब आउटपुट देंगी, कब इनपुट देंगी, मतलब मीन्स हमारा जो मेन कोड है वो वॉइड लूप में लिखते हैं। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ इंटीजर्स को डिफाइन करूँगा, जैसे कि इंटीजर एलईडी पिन को डिफाइन करूँगा। एलईडी पिन इज इक्वल टू 13। मैं यहाँ पर ऑडिनो की पिन नंबर 13 का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से कौन सी भी पिन का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम एक ही एलईडी ब्लिंक करेंगे, तो मैं एक ही पिन का यूज़ करूँगा, 13 पिन का। और अगर आपको चाहिए कि मैं ज़्यादा एलईडीज को ग्लो करके दिखाऊँ, ब्लिंक करके दिखाऊँ, या उनसे पैटर्न्स क्रिएट करके दिखाऊँ, तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी करके दिखाऊँगा। तो अब आते सेकेंड पार्ट पे, जो है हमारा वॉइड सेटअप। देन VOID वॉइड सेटअप। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको भूलिएगा मत, नहीं तो आपको कंपाइलेशन में एरर दिखाएगा, देन अपलोड करने में कोड्स को बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। देन यहाँ पे आएगा पिन मोड। पिन मोड, ये जो पिन मोड में है एम कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये जो ऑडिनो बिल्ड किया गया है उसमें जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स डाले गए हैं हमको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। आप स्पेलिंग्स को अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको और वो कोड अपलोड भी नहीं होगा। तो पिन मोड में हम यहाँ डालेंगे एलईडी पिन। और एलईडी पिन कर क्या रही है एक्चुअली, एलईडी पिन आउटपुट ले रही है। जब ऑडिनो से उसको आउटपुट मिलेगा तभी एलईडी ग्लो होगी। तो एलईडी पिन एक्चुअली आउटपुट ले रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट एंड देन सेमी कॉलम। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एलईडी पिन यानी जो पिन नंबर 13 है वो आउटपुट ले रहा है, हमें पिन नंबर 13 पे एलईडी को लगाना है। देन इसके बाद आता है थर्ड पार्ट यानी मेन कोड जिसमें रहेगा, वहां पे वो है void setup, void setup, curly bracket। अब मेन कोड जो होता है, मेन काम जो है हमारा यहां से शुरू होता है। तो यहां पे हम जो है डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करेंगे, DIGITAL डिजिटल डिजिटल राइट। तो एलईडी ब्लिंक कैसे होगी, पहले ग्लो होनी चाहिए देन ऑफ होनी चाहिए, देन ग्लो देन ऑफ। तो हम पहले क्या करेंगे, एलईडी को ऑन करेंगे। तो एलईडी पिन कॉमा, पहले उसको हाई करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, एलईडी पिन हाई। देन उसको कुछ समय के लिए बंद करते हैं। तो बंद के लिए हम यहां पर डिले फंक्शन का यूज करेंगे, डिले। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डिले में आप जो भी नंबर्स डालेंगे वो माइक्रो सेकेंड में, सॉरी मिली सेकेंड्स में होंगे, तो उस हिसाब से आप कन्वर्जन करके डालिएगा। मैं यहाँ पर 200 मिली सेकेंड्स ले सकता हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं वहाँ पर। देन उसके बाद अब क्या करेंगे कि 200 मिली सेकेंड्स के लिए हमने एलईडी को हाई किया है, अब हम अगेन डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड एलईडी को लो करेंगे। तो फिर डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो, सॉरी ये कैपिटल होना चाहिए, लो, देन ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूं।
तो फिर हमने बेसिकली किया क्या, हमने एक कोड लिखा जैसे डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, तो हमने एलईडी पिन को हाई किया कब तक के लिए, 200 मिलीसेकंड्स के लिए। अब हम डिजिटल राइट फंक्शन का अगेन यूज करके उस पिन को लो कर रहे हैं, मतलब एलईडी को ऑफ कर रहे हैं, और कब तक के लिए वो हम डिले फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। डिले मैं इसे 200 मिलीसेकंड्स के लिए वापस बंद कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लिंक का एक एलईडी, बेसिक एलईडी ब्लिंक का जो कोड है वो रेडी हो गया है। मैं आपको आर्डुइनो में इसे अपलोड करके दिखाता हूँ और ये किस तरीके से वर्क करता है। पहले इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं, यहाँ से आप कंपाइल कर लीजिए ताकि आपके कोड्स में जो भी एरर वगैरह हो यहाँ पे आ जाए। अब देखिए यहाँ पे कंपाइल एरर दिखा रहा है, तो वर्ड सेटअप, एक मिनट इसे देख लेते हैं जरा। यहाँ पे गलती से मैंने वर्ड सेटअप लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पर वर्ड लूप आएगा, ये कोड का थर्ड पार्ट है तो यहाँ पे लूप आना चाहिए, वर्ड लूप। अब इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोड का कंपाइलेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आर्डुइनो में अगर गलत कोड अपलोड हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन फिनिश, बिना किसी एरर के कंपाइलेशन जो है वो फिनिश हो गया है। अब मैं इसे आर्डुइनो में अपलोड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कोड अपलोड करने जा रहा हूँ, ये अपलोड का सिंबल है, आप यहाँ से कोड को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोड अपलोडिंग हो रही है एंड थोड़ा एरर दिखा रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अपलोडिंग 100% एंड अपलोडिंग फिनिश, आपका कोड एकदम परफेक्टली अपलोड हो चुका है। तो अब देखते हैं एक्चुअली वर्क कैसे करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमारी जो एलईडी है, मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर की एलईडी लगाई है, ये परफेक्टली 200 मिलीसेकंड्स के बाद ऑन ऑफ हो रही है। तो ये था ब्लिंक कोड आर्डुइनो बाय यूजिंग आर्डुइनो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए एंड देन जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम वहाँ पर डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।